वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस जर्नी। तो कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा वीडियो है फुल बॉडी होम वर्कआउट। ये बस 5 मिनट का वर्कआउट है। जो लोग बहाना करते हैं कि हमें वर्कआउट करना है लेकिन इतना वर्कआउट तो हम कर नहीं सकते, तो बस 5 मिनट का वर्कआउट है, 30 सेकेंड ईच वर्कआउट, टोटल 10 वर्कआउट्स है और बहुत ईजी वर्कआउट्स है। आप अगर इसको फॉलो कीजिएगा तो बहुत अच्छा फैट बर्न कर पाएगा। ये मोस्टली डेडिकेटेड है उन टीनएजर्स, हाउसवाइफ लोगों को जिनके पास खुद के लिए टाइम नहीं होता है, लेकिन वो 5 मिनट तो अपने लाइफ के लिए निकाल ही सकते हैं। अगर वो सच में पतला होना चाहते हैं आप और अच्छा खासा मोटा हो चुके हैं और आप पतला होना चाहते हैं तो अपने लिए 5 मिनट तो निकाल ही सकते हो। आप डाइट कर लेते हो अच्छे से लेकिन वर्कआउट के टाइम आपको समझ नहीं आता है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो ये बेसिक सा 10 वर्कआउट कीजिए जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ और इसको फॉलो कीजिए और अच्छा खासा फैट बर्न कीजिए। और अगर आपको डाइट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आई बटन में जाकर मेरा और सारे वीडियोज देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। और बेसिकली ये जो 5 मिनट का वर्कआउट है आपको मेरे साथ में करना है, जैसे मैं कंटिन्यूस करने वाली हूँ। 30 सेकेंड ईच वर्कआउट, 10 सेकेंड्स का ब्रेक रहेगा बीच में। आप भी मेरे साथ में ये वर्कआउट कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे अपने वर्कआउट्स की ओर चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद आवर स्ट्रेचिंग। कोई भी वर्कआउट करने से पहले हमें स्ट्रेचिंग जरूर कर लेना चाहिए, इससे हमें कोई भी इंजरी होने से बचाता है। और बहुत लोग होते हैं जो लेग का स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इसके बाद हम डायरेक्ट अपने मेन वर्कआउट की ओर चलेंगे, तो आप मेरे साथ साथ ये स्ट्रेचिंग ज़रूर कीजिए। सो नाउ वी आर डन विद आवर स्ट्रेचिंग, सो लेट्स गेट स्ट्रेट इन टू द वर्कआउट्स। हमारा 10 वर्कआउट्स है टोटल, हमें 30 सेकेंड्स ईच वर्कआउट करना है। 10 सेकेंड्स का ब्रेक रहेगा दोस्तों। अगर आप चाहें तो 10 सेकेंड्स का ब्रेक ना ले, डायरेक्ट जंप करें दूसरे वर्कआउट की ओर, वो और भी अच्छी बात होगी। तो हमारा पहला वर्कआउट है जंप ट्विस्ट। इसमें हमें जंप करना है, अपने दोनों हाथों को लेफ्ट राइट ट्विस्ट करना है। इसे हमें फुल इंटेंसिटी के साथ करना है, अपना फुल एनर्जी देना है, क्योंकि बस ये 30 सेकेंड्स का वर्कआउट है। तो आप मेरे साथ में कीजिएगा। तो लेट्स जस्ट डू दिस। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट वर्कआउट, दैट इज वॉक डाउन टू प्लैंक। इसमें हमें स्ट्रेट पोजिशन में खड़ा हो जाना है और वॉक डाउन करना है टू अ प्लैंक पोजिशन। उसके बाद अपने ओरिजिनल पोजिशन में आके वापस खड़े हो जाना है। इसे हमें रिपीटेड मूवमेंट में करना है। ये वर्कआउट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये हमारे स्टोमक एरिया और ट्राइसेप, मतलब हमारे हैंड के फैट को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो लेट्स गेट मूव टूवर्ड्स अवर थर्ड वर्कआउट, दैट इज स्क्वाट जंप। इसमें हमें स्क्वाट पोजिशन में आना है और फिर हमें जंप करना है। ये वन ऑफ द टफेस्ट वर्कआउट है, तो बहुत लोग होंगे जो ये वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, तो इसका ऑप्शनल में आप नॉर्मल स्क्वाट भी कर सकते हैं। यह हमारे थाई फैट को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो इसे हमें ज़रूर करना है। सो लेट्स जस्ट डू दिस। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर फोर्थ वर्कआउट, दैट इज टो टच क्रंचेज। आई नो यू आर टायर्ड इनफ आफ्टर डूइंग स्क्वाट जंप और आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, लेकिन स्टिल वी हैव टू डू दिस आउट। हमें टो टच क्रंचेज करना है। ये लो इंटेंसिटी वर्कआउट है, तो आप अच्छे से कर पाओगे। हमें सबसे पहले ले डाउन हो जाना है और उसके बाद हमें अपने हैंड से अपने टो को टच करना है
और इसको हमें कंटिन्यूस मूवमेंट में करना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके। सो लेट्स जस्ट डू दिस। Now it's time for our fifth workout, that is mountain climbing. हमारा last workout low intensity workout था, तो ये workout हमारा high intensity workout रहेगा। इसे हमें full intensity के साथ करना है। तो जैसे कि हम reality में mountain climbing करते हैं, हमें exactly वही position में lay down हो जाना है और assume करना है कि हम mountain climbing कर रहे हैं। तो इसे हमें full intensity के साथ करना है और अपना best shot देना है। So let's just do this with full intensity. We are halfway done guys, only 5 more workouts to go. I know it's getting tougher but we can do this out. So our 6th workout is Kasti lunges. इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें right hand से हमारे left leg के toe को touch करना है, उसके बाद हमारे left hand से right leg के toe को touch करना है। ये बहुत easy workout है और इसे हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो चलिए आप मेरे साथ में कीजिए। Now it's time for our 7th workout, that is squat with cross elbow. इसमें हमें squat position में आना है, उसके बाद stand out करना है, उसके बाद हमारे left leg के knee को right hand के elbow से touch करना है, उसके बाद same करना है opposite leg और opposite hand के साथ। और ये बहुत अच्छा वर्कआउट है दोस्तों, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है। यह हमारे थाइस के फैट के लिए, एब्डोमिनल एरिया के फैट के लिए भी बहुत अच्छा वर्कआउट है, तो इसे ज़रूर इंक्लूड करें अपने वर्कआउट में, जैसे कि मैं कर रही हूँ, आपको भी मेरे साथ साथ में करना है। Now it's time for our 8th workout, that is bisected crunches. इसमें हमें lay down होना है और crunches की position में जैसे हम bisected ride कर रहे होते हैं वैसे करना है, जैसे कि हमारे left hand के elbow को right leg के नीचे touch करना है and then हमारे right hand के elbow को left leg के नीचे touch करना है, और just like we are riding a bicycle इसे हमें करते रहना है। ये हमारे abdominal area के लिए बहुत अच्छा है, हमारे lower belly fat को reduce करने में बहुत ज़्यादा help करता है friends। तो इसे हमें अच्छे से करना है, आपको मेरे साथ में करना है, 30 seconds only। I know guys, it's getting really tough, but only 2 more exercises to go. So our 9th workout is high knees. इसमें हमारे हैंड को स्ट्रेट पोजीशन में रखना है और अपने लेग के नीज को अपने हैंड से टच करने का कोशिश करना है। ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, तो इसमें हमें जंप भी करना होगा और जंप करके अपने नीज को अपने हैंड से टच करने का कोशिश करना है। तो आपको मेरे साथ में करना है और फुल इंटेंसिटी के साथ करना है। यू आर ऑलमोस्ट डन गाइज, ओनली लास्ट वर्कआउट टू गो। हमारा लास्ट वर्कआउट है स्किपिंग। स्किपिंग तो आप सभी को करने आता होगा, आपको स्किपिंग करना है फुल इंटेंसिटी के साथ 30 सेकेंड्स। अगर आप चाहो तो और भी ज़्यादा टाइम तक कर सकते हो, ये बहुत अच्छा कार्डियो है आपके फुल बॉडी फैट लॉस के लिए।
तो अगर आप ये सारे वर्कआउट्स कर लिए हो और अभी तक आपके अंदर एनर्जी है और करना चाहते हो तो आप ये सारे वर्कआउट्स को दो बार और रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप ये 5 मिनट्स का वर्कआउट रेगुलर करो या आपके फुल बॉडी फैट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपका अच्छा खासा फैट लॉस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे वर्कआउट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। दैट्स ऑल गाइज, ये था हमारा 5 मिनट्स वर्कआउट। आप देख सकते हैं कि मेरा हालत कितना ख़राब हो चुका है। आप भी ये वर्कआउट कीजिए, बस इट्स अ 5 मिनट वर्कआउट, हमें साथ कीजिए तभी आपका अच्छा खासा फैट बर्न होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वर्थ वॉचिंग लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबाए, मोर अपकमिंग वीडियो फॉलो मैन इंस्टाग्राम फॉर मोर गाइडेंस। स्टे ट्यून्ड, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी।